दबाव के नाते, प्रेशर के नाते करते हैं, काम करने के लिए करते हैं, काम हो जाए टल जाए उसके लिए करते हैं, उसका परिणाम नहीं। वो काम आपको थकाता है। जिस काम को आप सस्ते बस खत्म हो जाए, बस जल्दी जल्दी जल्दी, वो काम आपको थकाता है। क्या करता है? थकाता, मतलब थकान होती है। और जब जिस काम में आनंद आता है, इसमें आप एंजॉय करते हैं, और सरल बोल दूं आपकी भाषा में, जिसमें आपको मजा आता है, तो जिस काम में आपको मजा आता है उसमें कभी थकते हैं क्या? मान लो आपको खेलने में मजा आता है, तो खेलने में कभी थकान लगती है? नहीं। और जैसे ही कोई कह दे थोड़ा चलो पढ़ाई करो, सोई नींद आने लगी, सोई पेट दर्द करने लगा, सोई सर दर्द करने लगा, होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अभी उसमें मजा नहीं है। आपको आपके प्रत्येक काम में मजा आना चाहिए, प्रत्येक काम में। मैं छोटी छोटी बात आपको बता रहा हूं। आप विद्यालय के लिए तैयार हो रहे हैं, मान लीजिए ड्रेस अप, आप कपड़ा पहन रहे अपना यूनिफॉर्म, आपको इसमें मजा आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि हम कपड़ा पहन रहे, हम स्कूल जाने जा रहे, हम ड्रेस अप, हम मेकअप, आपको अच्छा लगना चाहिए, मजा मजा। फिर आप स्कूल में आए तो आप जब स्कूल में घुसे, अपने सहपाठियों को देखे, अपने मित्रों को देखे, अपने शिक्षक को देखे, अपने गुरु को, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। आप स्कूल पहुंचते आपको लगा अपने मंदिर में हम आ गए, तो आपको एकदम प्रसन्न हो जाना चाहिए स्कूल पहुंचते। मैंने देखा कुछ लोग अपना बस्ता लेके ऐसे लुढ़कते रहते हैं कि हे भगवान जल्दी 3 बजे 2 बजे फिर भागे घर। सब भी होता है, ऐसा नहीं होना। फिर क्लासरूम में है तो क्लासरूम जल्दी घंटा बजे जल्दी, पता नहीं क्यों क्या ऐसा, इंजॉय करिए एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ, एवरी मिनट ऑफ लाइफ आप इंजॉय करिए प्रत्येक क्षण। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे बाबा जी कितना बकबक करोगे, बंद करो जाओ। कुछ लोग आनंद ले रहे होंगे, नहीं क्या अच्छी बात हो रही है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कुछ देर और बोलते रहे, हो सकता क्लास कम पढ़ना पड़े। अब सबके सोचने का प्रकार अलग अलग है। सही बोल रहे, मेरा मत है एकदम इंजॉय।